ये जो फिल्म है इसमें एक सैनिक जब देश के रक्षा करते उसके बाद अपन ड्यूटी करते तो का समस्या होते, एक परिवार कैसे परिवार से टूटते, एक सैनिक बने पर का तैयारी करे लगते, कैसे का कठिनाई से गुजरे लगते, ये सबके वर्णन ये पिक्चर में करे गए, ये फिल्म में करे गए हैं। जो कहानी दिखाया गया है वो हकीकत है, बोला हमें अपने जो त्याग है बलिदान है और हम जब वहाँ से आते हैं तो हमारे जो फीलिंग्स हैं तो हम ये सोचते हैं कि बाहर तो हम लड़ ही रहे हैं, बोला कम से कम बोला देश गांव के अंदर सुकून शांति हो, सब आपस में भाईचारा हो। और जो एक्टिंग किए हुए हैं शिल्प वर्मा जी ने वो बहुत बेहतरीन सराहनीय लगा, और ऐसा फिल्म मेरे हिसाब से अभी छत्तीसगढ़ में तो अभी बना नहीं है मैम, जो नेशनल लेवल के लिए बहुत अच्छा मायने रखता है। ये डायलॉग तो बिल्कुल गुदगुदात रही पूरा, ये जतिक पिक्चर देख रहे हमेशा सब लाइसन नहीं सूतन नहीं दी से अभी तक के पिक्चर में, मतलब जितना भी देशभक्ति पिक्चर बने हैं तेमे से ये सबसे मतलब से एक पिक्चर है, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। सैनिक की कहानी का जो किरदार दिखाया जाता है कि सैनिक देश के बाहर भी और देश के अंदर भी और अपने जो घर है वहाँ पर भी हमेशा सैनिक की तरह काम करता है, ये चीज़ यहाँ पे करके दिखाया। और ये जो फिल्म का जिस टाइप से अभी पिक्चराइजेशन किया गया है, हमारे जितने फौजी भाई अभी देखे इस हिसाब से एक चर्चा हो रही थी कि इसका सेकंड पार्ट ना जरूर आएगा, और मैं ही चाहूँगा कि यहाँ के जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से ये चाहूँगा इसका सेम वर्जन जो सेकंड पार्ट जरूर आएगा इसी का। तो लग रहा है ना आप छत्तीसगढ़ी फिल्म बॉलीवुड के पास जा रही है ऊपर से, उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर।